अब लेक्चर 6 की बात करते हैं। यूनिट 1 हमारी पूरी हो गई है ना। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 2 देखते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। तो ये थोड़ा लंबा होने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो डेटा फ्लो डायग्राम को DFD शॉर्ट में बोलते हैं, टू प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ हाउ डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड एज दे मूव थ्रू द सिस्टम। तो जैसे कि डेटा सिस्टम में फ्लो होगा तो उसको डायग्राम के रूप में दिखाया जाएगा, तो DFD होता है वो, टू डिपिक्ट द फंक्शंस एंड सब फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्लो। ठीक है, ये डिपिक्ट करता है फंक्शंस को। एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन डोमेन एंड सर्व्स एज द बेसिस ऑफ मॉडलिंग ऑफ फंक्शन। तो जो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डोमेन में डाला जाता है, इंफॉर्मेशन डोमेन में, कि क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उससे मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, DFD के बारे में और जान लेते हैं। इट्स शो हाउ डेटा एंटर्स एंड लीव द सिस्टम। तो ये फ्लो हो रहा है तो किस फॉर्म में फ्लो हो रहा है और कहाँ डेटा स्टोर होगा। तो DFD का ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्कोप और बाउंड्रीज बताना सिस्टम में। इट मे बी यूज्ड एज कम्युनिकेशन टूल बिटवीन सिस्टम एनालिस्ट एंड पर्सनल वो प्ले अ पार्ट इन ऑर्डर दैट एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीडिजाइनिंग सिस्टम। ठीक है, और इसको हम डेटा फ्लो ग्राफ भी बोलते हैं, बबल चार्ट भी बोलते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को जो फ्लो हो रही है ना। ये एक्चुअल डेफिनेशन है, अप्लाई डेटा मूव फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। और इसको यूज़ कर सकते हैं सिस्टम या सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने में या किसी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और DFDs में भी पार्टीशन इनटू लेवल दैट रिप्रेजेंट इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंक्शनल डिटेल। तो उसको पार्टीशन भी कर सकते हैं उसका। लेवल ज़ीरो जो होता है फंडामेंटल सिस्टम मॉडल कहते हैं या कॉन्टेक्स्ट मॉडल कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि सॉफ्टवेयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सिंगल बबल, जैसे कि अभी बताया बबल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो सिंगल बबल विद इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंडिकेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरो। एडिशनल प्रोसेस बबल जो होंगे वो इन्फॉर्मेशन फ्लो पास आर रिप्रेजेंट द लेवल ज़ीरो DFDs पार्टीशन टू रिवील मोर डिटेल। तो पार्टीशन के प्रोसेस होंगे, यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं। तो जब भी एरो होगा इस फॉर्म में तो उसका नेम होगा डेटा फ्लो प्रोसेस और फंक्शन होगा कनेक्ट। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है कनेक्ट करता है। अगर रेक्टेंगल बनाए तो सोर्स या सिंक के फॉर्म में होगा, और सोर्स और ऑफ सिस्टम इनपुट एंड सिंक ऑफ सिस्टम आउटपुट। तब क्या हुआ, डेटा जो है स्टोर के इस फॉर्म में दिखाते हैं। यहाँ पे रिपोजिटरी ऑफ डेटा है जिसमें एरो हेड इंडिकेट करेगा कि नेट इनपुट और नेट आउटपुट कितना स्टोर हो रखा है। सर्कल बनाया तो प्रोसेस को डिपिक्ट करेगा ये, और परफॉर्म करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन इट्स इनपुट डेटा टू यील्ड आउटपुट डेटा। नेक्स्ट आ जाता है DFD क्या शो करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हमें नॉमनक्लेचर कह देंगे या फिर तरीका क्या है कि पहले तो सारे नेम यूनिक होने चाहिए, और देर इज़ नॉट अ फ्लो चार्ट, कोई फ्लो चार्ट नहीं होता। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट से हटके होता है, सप्रेस लॉजिकल डिसीजंस और डिफर एरर कंडीशन एंड हैंडलिंग अंटिल द एंड ऑफ द एनालिसिस। तो डेटा डिक्शनरीज के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होते हैं, आर सिंपली रिपोजिटरीज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द डेटा आइटम डिफाइन इन DFD। तो जैसे डिक्शनरी का काम होता है, यहाँ पे DFD के जितने भी डेटा है उसको रिपोजिटरी की फॉर्म में रखते हैं। तो डेटा डिक्शनरी इज ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ ऑल डेटा एलिमेंट दैट आर प्रिटेंड टू द सिस्टम विथ प्रिसाइज रिजियस डेफिनेशन सो दैट बोथ यूजर एंड सिस्टम एनालिस्ट विल हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिक्शनरी को प्रिफर करते हैं जब भी, देखो यहाँ पे यूज़र और सिस्टम दोनों को ही यूज़ में रहेगी। ऑल दो द फॉर्मेट ऑफ डिक्शनरी वेरी फ्रॉम टूल टू टूल, मगर मोस्ट कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नेम होता है। तो प्राइमरी नेम ऑफ डेटा एंड कंट्रोल आइटम और डेटा स्टोर और एक्सटर्नल एंटिटी LIs हो जाता है। अदर नेम्स यूज फॉर फर्स्ट एंट्री वेयर कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, लिस्टिंग ऑफ द प्रोसेस दैट यूज द डेटा और कंट्रोल इट्स आइटम एंड हाउ इट इज़ यूज। तो इनपुट ऑफ प्रोसेस या आउटपुट ऑफ प्रोसेस या एक्सटर्नल एंटिटी, ये सब दिखाते हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग कंटेंट दिखाता है। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस वगैरह यहाँ दिखाए जाते हैं। ठीक है, लेवलिंग क्या होता है, DFD जब रिप्रेजेंट अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर एट एनी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, किसी भी लेवल पे हम डेटा फ्लो डायग्राम दिखा सकते हैं और ये पार्टीशन कर सकते हैं जैसे कि पहले बताया था, इनटू लेवल दैट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड फंक्शनल डिटेल। तो लेवल जो होते हैं वो 0, 1, 2 ऐसे करके चलते हैं।
जीरो लेवल ऑफ DFD में क्या आ जाता है, इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल सिस्टम मॉडल या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो ये रिप्रेजेंट करता है एंटायर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बारे में अभी अभी बताया मैंने कि इसको सिंगल बबल कह सकते हैं, है कि इसमें इनपुट और आउटपुट डेटा को डिनोट करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग एरो से। देन द सिस्टम इज डिकम्पोज एंड डिस्क्राइब एज DFD विथ मल्टीपल बबल्स। तो पार्ट ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट बाई ईच ऑफ दिस बबल्स आर देन डिकम्पोज एंड डॉक्यूमेंट आर मोर एंड मोर डिटेल्ड DFD। तो इसको डिटेल में करने के लिए जीरो लेवल में काम करते हैं। दिस प्रोसेस में बी रिपीटेड एज मैनी लेवल्स एज नेसेसरी अंटिल द प्रोग्राम हैंडल विज वेल अंडरस्टूड। तो इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, जैसे होटल रिजर्वेशन हो गया, तो अगर इसको जीरो लेवल पे देखा जाएगा तो होटल में दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक गेस्ट होता है एक एडमिन होता है। तो अब गेस्ट जो करेगा वो फिल करेगा कैंसिलेशन फॉर्म को या फिल करेगा रिजर्वेशन फॉर्म को, पहले रिजर्व करेगा या कैंसिल करेगा, और होटल रिजर्वेशन इन्फॉर्म करेगा कि रूम इन्फो देगा। अब एडमिन से बोलेंगे कि कहाँ पे जगह खाली है, तो अप डाउन होटल इन्फो देगा या कैंसिल इन्फो देगा, गेस्ट इन्फो, वेटिंग इन्फो। तो ये सब इस फॉर्म में DFD का लेवल ज़ीरो होता है। लेवल वन की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज़ डिकम्पोज इनटू मल्टीपल बबल्स, ठीक है। उस लेवल में वी हाईलाइट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड ब्रेक डाउन द हाई लेवल प्रोसेस ऑफ जीरो लेवल DFD इन द सब प्रोसेस। तो लेवल वन थोड़ा अलग होता है, जैसे इसी केस को लेते हैं कि होटल रिजर्वेशन में गेस्ट को दो चांसेस मिलते हैं, एक तो रिजर्वेशन प्रोसेस करना, दूसरा इंक्वायरी करना। तो इंक्वायरी में डाउन स्टेज अप स्टेज होती है, या डाउन स्टोरेज अप स्टोरेज होती है। अब रिजर्वेशन प्रोसेस में रिजर्वेशन स्टोरेज फाइल होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, रूम सिलेक्शन प्रोसेस भी होगा और रिपोर्ट करेंगे एडमिन को, ठीक है। लेवल टू की बात करते हैं, तो लेवल टू DFD गोज वन प्रोसेस डीपर इन पार्ट ऑफ वन लेवल DFD। तो इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट और रिकॉर्ड द स्पेसिफिक नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम फंक्शनिंग। तो ये इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है। अब गेस्ट के पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा डिटेल्ड होगा। तो गेस्ट के पास क्वायरी प्रोसेस हो गया, रिजर्वेशन रिपोर्ट, इंक्वायरी करना, रिजर्वेशन, होटल, वेटिंग, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरो भी हैं, सर्कल भी हैं, और सोर्स सिंक के लिए हमारे पास रेक्टेंगल भी है ना, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में होगा। तो ये देखो, इस तरह से अगर स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट का DFD बनाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट हैं, मार्क्स एंट्री ऑपरेशन, मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होती है, मार्कशीट जनरेट होती है, ठीक है, इन्फो जनरेट होती है, या यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म है, इसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया। स्टूडेंट मैनेजमेंट को इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स करा जा सकता है, रोक के आप समझ सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ें जितने भी डिटेल्ड फॉर्म होगी, बस एरो, सर्कल, सोर्सिंग, इन सब का ध्यान रखना, ठीक है। यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आप वैलिडेशन प्रोसेस देखते हैं, डिस्प्ले यूज़र अकाउंट इन्फो देखते हैं, ठीक है। ये बनाने के लिए आता है या आप आगे भी काम आएगा, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेंगे तो उसमें सिंपली मान लो कि लॉगिन का 2DFD बनाना है, लेवल 2DFD बनाना है, तो लॉगिन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, पासवर्ड के रूल्स वगैरह चाहिए होंगे, है ना, यूज़र ID, कोऑर्डिनेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के अलग पासवर्ड होंगे, मार्क एंट्री क्लर्क के अलग होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेशन अलग होंगे। तो वो सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट इन्फो मैनेजमेंट और सब्जेक्ट इन्फो मैनेजमेंट का भी सेकंड लेवल DFD दे रखा है, ठीक है। मार्क्स इन्फॉर्मेशन का ये हो गया, इसको रोक के समझ सकते हैं। तो यही था हमारा डेटा फ्लो डायग्राम। तो होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। बाकी आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे विकिपीडिया पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और एग्जांपल्स देख लेना, और ये था हमारा लेक्चर 6। चलो फिर।